तो सीपीएल 2020 में आज जो पहला मुकाबला खेला जाएगा शाम को, उस मुकाबले के दोनों टीमों के सारे बल्लेबाजों के पिछले मुकाबलों के रिकॉर्ड्स, उसके अलावा बैटिंग ऑर्डर और मैच प्रेडिक्शन सारी जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख लीजिए। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर स्क्रीनशॉट जैसे देख पा रहे हैं सीबीडीआरए के, इनके सारे प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं। पहले मुकाबले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, सीपीएल के चार जो मुकाबले हुए हैं सारे मुकाबलों के प्रेडिक्शन सही हुए हैं, प्लस उसके साथ में सेशन भी सही हुए हैं। इनके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए ये है नीचे इनका व्हाट्सएप नंबर, नोट कर लो। तो ये जो मुकाबला खेला जाएगा ये होगा पांचवा मुकाबला सीपीएल 2020 का, और ये मुकाबला खेला जाएगा एसएलजेड और बीएआर टीम के बीच, और ये मुकाबला खेला जाएगा 20 अगस्त को ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में, यानी कि आज इंडियन समय के अनुसार शाम को 7:30 पे ये मुकाबला शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एसएलजेड टीम के खिलाड़ी और उनके पिछले मुकाबलों के प्रदर्शन और उसके साथ में बैटिंग ऑर्डर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए, रकीम कॉर्नवॉल, इन्होंने 9 रन बनाए 9 गेंदों में, एक ओवर डाला जिसमें एक विकेट लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं एंड्रे फ्लेचर, इन्होंने 22 रन बनाए 21 गेंदों में, बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं। मार्क डियाल, इन्होंने 17 रन बनाए 6 गेंदों में, बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। रॉस्टन चेस, इन्होंने 52 रन बनाए 42 गेंदों में, बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। नाजीबुल्लाह जादरन, इन्होंने 25 रन बनाए 21 गेंदों में, बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। मोहम्मद नबी, इन्होंने 13 रन बनाए 9 गेंदों में, दो ओवर डाले जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। डैरन सैमी, इन्होंने 4 रन बनाए 8 गेंदों में, बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 7 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। स्कॉट, इन्होंने 5 रन बनाए 3 गेंदों में, 4 ओवर डाले जिसमें एक विकेट लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। केसरक विलियम, इन्होंने 0 रन बनाए 1 गेंद में, 4 ओवर डाले जिसमें 2 विकेट लिए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 9 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। जाहिर खान, इन्होंने 4 ओवर डाले जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। उबेड मके, इन्होंने 3.5 ओवर डाले जिसमें एक विकेट लिया। और अब आपको दिखाते हैं बीएआर टीम के खिलाड़ी और उनके पिछले मुकाबलों के प्रदर्शन और उसके साथ में बैटिंग ऑर्डर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देख लीजिए, जॉनसन चार्ल्स, इन्होंने 4 रन बनाए 6 गेंदों में, बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं। शी होप, इन्होंने 3 रन बनाए 7 गेंदों में, बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो ओपनिंग करते हैं। कोरी एंडरसन, इन्होंने 0 रन बनाए 2 गेंदों में, बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 3 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। काइल, इन्होंने 37 रन बनाए 20 गेंदों में, 2 ओवर डाले जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 4 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। जीएसएन होल्डर, इन्होंने 38 रन बनाए 22 गेंदों में, 4 ओवर डाले जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 5 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। जॉनसन कार्टर, इन्होंने 0 रन बनाए 1 गेंद में, बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 6 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। रेमर रीफर, इन्होंने 2 रन बनाए 7 गेंदों में, 3 ओवर डाले जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 7 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। मिचेल सेटनर, इन्होंने 20 रन बनाए 18 गेंदों में, 4 ओवर डाले जिसमें 2 विकेट लिए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 8 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। एशली नेल्स, इन्होंने 4 रन बनाए 8 गेंदों में, 1 ओवर डाला जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 9 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। राशिद खान, इन्होंने 26 रन बनाए 20 गेंदों में, 4 ओवर डाले जिसमें 2 विकेट लिए। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 10 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। हैडन वॉल्श, इन्होंने 4 रन बनाए 10 गेंदों में, 2 ओवर डाले जिसमें कोई विकेट नहीं लिया। बैटिंग पोजीशन की अगर बात करें तो नंबर 11 के ऊपर बल्लेबाजी करते हैं। और अगर बात करें दोनों टीमों की, तो ये दोनों टीमें एक एक मुकाबला खेल चुकी है सीपीएल 2020 में। और जहां पर अगर बात करें एसएलजेड टीम की, तो इसने अपना एक मुकाबला जो खेला वो हारा है, वहीं दूसरी ओर बीएआर टीम ने जो अपना एक मुकाबला खेला है सीपीएल 2020 में वो जीता है। और इंस्टाग्राम के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर जो है मेरा अकाउंट क्रिक स्टार लाइव, सर्च करो, दोनों जगह पर मुझे फॉलो कर लो, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिलती रहती है। और ड्रीम इलेवन टीम के लिए जैसे आप देख पा रहे हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर करो कॉन्टैक्ट। और मैच प्रेडिक्शन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सारे स्टैट्स और सारे आंकड़ों के जरिए बीएआर टीम स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए मेरा प्रेडिक्शन है कि बीएआर टीम ये मुकाबला जीत जाएगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।